अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे प्यारे बहन और भाई, यूट्यूब की तमाम फैमिली को मेरी तरफ़ से सलाम और जुमातुल मुबारक जी। आप लोगों को आज जुमातुल मुबारक है और इस अफसल दिन पर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अपने तमाम यूट्यूब की फैमिली के बहन और भाइयों के लिए कि ए अल्लाह, जिन जिन की जो भी जायज़ हाजात हैं उनको आप पंचतन पाक का सदका करके पूरा कर दें और उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें और उनकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां, मुसीबतें और जितने भी उनके लिए ज़िंदगी के मसाइल हैं उन तमाम को हल कर दीजिए उनके हक़ में, उनकी फ़ेवर में। आमीन सुमा आमीन जी। और सुनाएं कैसे हैं आप लोग। हमारी सुबह का आगाज़ ही आज हुआ है अपने पौधों की काट छांट पर, क्योंकि देखिए बहुत सारे ये जो अनार के पत्ते थे ये ज़मीन पर लटके हुए थे और ये जो नीचे नीचे वाली टहनियाँ होती हैं इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती और इनको मैंने अच्छे से काट दिया था और अली कर रहा था सफाई, फातिमा को हमने उठा दिया था। देखिए कितनी तेज़ बाहर हवा चल रही है, लेकिन गर्मी है काफ़ी शिद्दत की अब हो गई और ये हवा जो है बहुत गर्म है और फातिमा को हम स्कूल के लिए अब तैयार कराने लगे हैं। आजकल मैंने थोड़ा सा जल्दी उठाना शुरू किया है क्योंकि स्कूल वालों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि एग्जैक्ट 8 बजे जो है बच्चे को आप गेट पर छोड़ दिया करें, बल्कि उससे 2-3 मिनट पहले ही, वरना फिर इनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़राब होती हैं। जब बच्चे दरमियान में आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं तो फिर इस तरह पहला जो उनका पीरियड होता है वो मिस हो जाता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको टाइम पे पहुंचाएं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आप तमाम लोगों की रिक्वेस्ट पर मुझे बहुत से बहन और भाइयों ने कहा था कि जब भी कोई ऐसी सायद घड़ियां आ रही हों, यानी कि जो कि आप लोगों के हक़ में हो, वक्त दुआओं की कबूलियत का और सितारों की कोई ऐसी पोजीशन होती है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कोई ऐसी रोशनी अल्लाह ताला उनमें से निकालते हैं जिस वक्त रब आपके बहुत करीब होता है। और ये जो लोग कहते हैं कि जी अल्लाह ताला से दुआ करने का कोई स्पेशल वक्त नहीं होता कबूलियत का, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि स्पेशल वक्त जो है वो तो होता है ज़रूर। आप लोग इसको माने या ना माने वो आप लोगों की मर्ज़ी, वरना अगर कोई स्पेशल वक्त ना होता तो रमज़ानुल मुबारक को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती उस वक्त को। और सफ़र के महीने में सफ़र करने से, कोई भी नया अच्छा काम शगुन वाला शुरू करने से क्यों मना फरमाया जाता। और इसी तरह से सितारों के हेर फेर का ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। जिन लोगों ने तर्जुमे के साथ पढ़ा है उनको बिल्कुल मालूम होगा, इनकी पोजीशन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। बहरहाल मेरा काम है आप लोगों को बताना, आगे किसी का मानना या ना मानना बिल्कुल खालिस्तन आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो बहन भाई इस वक्त के बारे में जानना चाहते थे तो उनके लिए आज स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई है, जो कि मई के महीने में कुछ ऐसा टाइम आ रहा है, एक दिन जो कि हकीकतन आप लोगों की दुआएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से अल्लाह ताला के हाँ पहुंचाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़लो करम से हमें माफ़ फरमाते हुए, हम पर अपना रहम और करम करते हुए इन दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी उस ख़ास वक्त की कैलकुलेशन और उस ख़ास वक्त के मुताबिक, उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक कौन सी इबादत जो है वो हमारे लिए बनती है उस दिन, कौन सा सदका हमें देना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या वो टाइम होगा, वो सारी बातें आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। और वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो जो है इतनी लंबी नहीं है, आप लोगों को फौरन बता देती हूँ जी कि मई के महीने में 23 मई 2024, 23 मई 2024 थर्सडे का दिन बनता है जी, उस दिन जुमेरात का दिन, जुमेरात के दिन 23 मई को दोपहर के 2:02 यानी 2:02 पर, 2:02 पर ये वक्त जो है ये स्टार्ट होगा। और इस वक्त के ख़त्म होने का वक्त है जी रात को 8:15 तक, 8:15 PM पर ये ख़त्म होगा 23 मई को ही, यानी कि 2:02 पर दोपहर में ये शुरू होगा और 8:15 को रात को उसी दिन 23 मई की ही रात को 8:15 पर ये ख़त्म हो जाएगा। ये तकरीबन 6 घंटे और चंद मिनट जो हैं वो बनते हैं, कोई 12-13 मिनट और 6 घंटे का वक्त होगा। और ये वक्त इंतहाई ज़्यादा, जितने भी लोग इल्मे नजूम रखते हैं उनको पता है, वो बेहतर जानते होंगे
कि ये वक्त कितना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई भी नया काम आपने शुरू करना हो उसके लिए, आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए, कोई भी नेक काम आप शुरू करना चाहें, खुशी वाला काम, कोई नया कारोबार स्टार्ट करना चाहें, कोई रिश्ता आपने तय करना हो, कोई आपने दिन रखने हो शादी के, या कोई भी आपने एक काम जॉब के लिए अप्लाई करना हो, वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, इस दिन आपको इस वक्त को मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये वक्त जो है रोज़ रोज़ नहीं आता। और इस मर्तबा जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये आई है तकरीबन पिछले बहुत सारे सालों में, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक्त जो है दुआओं की कबूलियत के लिए कोई नहीं आया, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। तो वक्त मैंने आपको बता दिया, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए इसको। अब आ जाते हैं जी हम इसकी इबादत की तरफ। सबसे पहले आपने इबादत के असूल, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपने बावजू होना है, वज़ू कर लीजिए। अगर गुसल कर लें तो बहुत अच्छा होगा, वरना आप कम अज़ कम वज़ू कीजिए। और सफ़ेद रंग के कपड़े उस दिन आप लोग पहन लीजिए, चाहे मर्द हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, इस वक्त के दौरान सफ़ेद कपड़े आप पहनिए, आपके लिए बहुत मुबारक साबित होंगे। और उसके बाद आपने इबादत जो करनी है, इस दिन के हवाले से और इस वक्त के हवाले से जो स्पेशल टाइम है वो आप लोगों के लिए निकल रही है जी, एक तो सूरह तौबा इस दिन के हवाले से, और दूसरी है जी सूरह लैल। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। और आपने सबसे पहले बावजू होकर दो रकात नमाज नफल शुक्राने के अदा कर लीजिए अल्लाह ताला के हजूर, कि अल्लाह ने आपको इस वक्त से नवाजा और आपको मोहलत दी कि आप इस वक्त में अल्लाह के हजूर जो है वो सजदा करें। और अपनी दुआओं के लिए आप जब अल्लाह के पास पेश होते हैं तो पूरे तरीके से होना चाहिए, उसके तमाम अदाब जो हैं वो आपको पूरे कर लेने हैं। दो रकात नमाज नफल आपने पढ़ने हैं शुक्राने के, उसके बाद आप 101 मरतबा पढ़िए दरूद इब्राहिमी की तस्बीह करके, फिर आप पढ़िए जी एक मरतबा कम अज़ कम सूरह तौबा, और 11 मरतबा आप उसके बाद पढ़िए सूरह लैल। ये आपने पढ़नी है क्योंकि सूरह लैल का जो कुरान पाक में इसका जो नंबर बनता है वो है जी 92, और 9 और 2 जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सबसे ज़्यादा जो रूहानियत के करीब नंबर है ये वो है। ये वो लोग जानते होंगे जो ये इल्म रखते हैं, आम लोगों को इसका इल्म नहीं है। और सूरह तौबा जो कुरान पाक की है ये 9वीं सूरत है, 9th, तो 9 का अदद जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूहानियत के लिए। तो आप लोगों ने एक मरतबा तस्बीह पढ़ ली और उसके बाद दुरूद पाक की, फिर आपने पढ़नी है एक मरतबा सूरह तौबा, फिर आप पढ़ेंगे जी 11 मरतबा सूरह लैल, और उसके बाद आपने एक तस्बीह फिर से पढ़नी है दुरूद पाक की। ये आपकी इबादत हो गई मुकम्मल। ये इबादत दोबारा से आपको बताऊं कि आप 2:02 से लेकर रात 8:15 के दरमियान कभी भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शुरू में पढ़ना है, आखिर में पढ़ना है, बस इस वक्त के दौरान आपने इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद किसी भी लाल रंग की चीज़ का सदका आपने देना है, वो लाल कपड़ा भी हो सकता है, वो रेड मीट भी हो सकता है, बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, वो लाल लोबिया भी हो सकता है, वो लाल रंग की कोई पकी हुई आपकी चीज़ भी हो सकती है, जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो लेकिन लाल रंग की हो, तरबूज कटिंग करके देखें वो भी लाल है, आजकल मौसम है, वो आप किसी को खिला सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। लाल रंग की चीज़ का सदका इस वक्त के अंदर अंदर आप कर दीजिएगा। और दोबारा से बताती चलूँ कि सफ़ेद रंग के कपड़े आप लोग उस दिन पहन लीजिएगा। सफ़ेद रंग जो है वैसे ही बहुत अच्छा है, और इबादत के लिए भी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग है ये सफ़ेद रंग जो होता है, इसमें बहुत बरकत होती है। तो ये सदका भी आपने इस वक्त के अंदर अंदर कर लेना है। और जो वक्त उसके बाद आपके पास बचे, इस पढ़ाई के बाद आप चलते फिरते कोई भी काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी जॉब पर हैं, आप बस इस्तग़फ़ार का विर्द जो है वो करते रहिए, क्योंकि देखिए इसमें किसी और का नहीं, आपका अपना फ़ायदा है, आपने ख़ुद मेहनत करनी है। ये जो हम लोगों से कहते हैं दुआ के लिए, बेशक वो भी एक अफसल बात है, अल्लाह ताला किसी की भी दुआ कबूल करते हैं, लेकिन ये कि आप ख़ुद भी अपने लिए इस वक्त में ज़रूर दुआ कीजिएगा और ये सदका कीजिएगा। जो भी बहन भाई परेशान हैं जिस भी मकसद के लिए, इंशाल्लाह उनका मकसद ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि ये वक्त ही इतना मुबारक है
कि ये जब आप पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको इसका आइडिया जो है वो हो जाएगा, आपने ज़रूर करना है। तो ये तमाम बातें मैंने आप लोगों को बड़ी ही तफसील के साथ बता दी हैं, और ये अगर आप इतना कर लेते हैं और इस्तग़फार का वर्द जितना आपसे हो सके आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं अल्लाह के हजूर ज़रूर कबूल होंगी। मैं भी इस वक्त में अपने तमाम बहन और भाइयों को ज़रूर याद रखूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हमेशा दुआ गो रहती हूँ, उस दिन मैं ख़ास तौर पर दुआ करूँगी। तो अभी जो वक्त हो गया था, देखिए कल हमने व्लॉग बनाया है, आपको आज मिल रहा है। जुमेरात की शाम को पंचतन पाक का दिया जलाने का वक्त, जो कि मैं कभी नहीं भूलती, और आप देखिए कि ये पांच कोनों वाला चिराग है, और ये मैं हमेशा जब अली जलाता है या कोई बच्ची जलाए या मैं जलाऊं तो मैं भी इस तरफ खड़ी थी पास ही। तो हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला के हजूर जो भी हमारी मन्नत और मुराद हो, और जो फातिहा खानी हम पढ़ते हैं उसका इसाले सवाब करते हैं जी पांचतन पाक को, और जितनी भी हसब तौफीक हमसे हो सके हम शरीनी भी बांटते हैं उसका इसाले सवाब भी करते हैं जी उनकी रूहों को। और आपने शुरू में देखा होगा, मैंने अपने थंबनेल पर भी लिखा था कि मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, और बेशक हम उनके ग़ुलामों के भी ग़ुलाम हैं, हम तो उनके ग़ुलाम के बराबर भी नहीं हो सकते। और मेरी ज़िंदगी में जितने भी अल्लाह ताला ने अच्छे वक्त आए, जो भी मुझे नवाजिश अल्लाह ने मेरे ऊपर की, मुझे नवाजा, मैं समझती हूँ मुझे उनके वसीले से ही अल्लाह ने दिया। मैंने हमेशा उनका वसीला देकर अल्लाह से अपनी दुआएं की हैं, और जब से ये चिराग मैंने जलाना शुरू किया है अपनी ज़िंदगी में तो मेरे ऊपर तो हकीकतन मौजज़ात अल्लाह ताला के हुए हैं, क्योंकि ये हस्तियाँ ही इतनी पाक और इतना मर्तबा है इनका कि आप इनके ऊपर हमें कुछ नहीं हो सकता। तो ज़रूर इनको अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने सदकात खैरात जो भी आप करें इनके नाम का किया करें। और एक वीडियो अब मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात आने से पहले पहले कि अगर आप हर जुमेरात की दिया नहीं जला सकते तो इसका कौन सा ख़ास वक्त होता है और क्या सदका आपने करना है, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ात होंगे। और मौजज़े भी तब होते हैं जब आप मौजज़ों पर और अल्लाह ताला की ज़ात पर हमेशा कामिल आपका यकीन होता है, तो फिर ही आपकी दुआएं जो हैं वो अल्लाह के हजूर पूरी होती हैं। तो अभी जो हो गया था रात का वक्त, और फातिमा के लिए हम निकाल रहे थे कपड़े और जूते, तो इनके स्कूल में है जी जुमे वाले दिन मदर्स डे, मुझे मैसेज आया था स्कूल की तरफ से कि बच्चियों को जो गर्ल्स हैं उनको आपने ब्लू पैंट्स और पिंक शर्ट्स पहनाकर भेजनी है, और जो लड़के हैं उनके लिए ब्लू कलर की पैंट और ब्लू कलर की शर्ट हो। तो मदर्स डे मना रहे हैं जी स्कूल वाले, हम कह रहे थे फातिमा का बैग पैक, और उसको मैंने टाइम से सुला दिया था क्योंकि सुबह उसको जाना था अर्ली स्कूल। तो ये थी जी हमारी आज की सारी रूटीन, और आपके साथ मैंने शेयर कर दिया 23 मई के हवाले से जो ख़ास वक्त था वो और उसकी इबादत। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और आपकी सपोर्ट के साथ ही इंशाल्लाह हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज तो हो गया है, इंशाल्लाह ये आगे तक जाएगा। आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें, और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आपका और हमारा साथ अल्लाह करे कि इसी तरह से बना रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।